चंबा भरमौर सलूनी ट्रैवल सीरीज के तीसरे व्लॉग में आप सभी ने भरमानी माता के पवित्र मंदिर के दर्शन किए। एक जगह पे तो रिकॉर्ड करते करते हमारा पोपट जो था वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, अपनी मनमर्जी से उड़ रहा था, लेकिन फिर समझा बुझा कर किसी तरह वापस ले आए उसको। इस व्लॉग में हम यहाँ से अभी जा रहे हैं वापस भरमौर सिटी, और फिर भरमौर सिटी के सेंटर में ही एक बड़ा ही पुरातन एंशियंट टेम्पल है। उस पुरातन मंदिर के आपको चलिए दर्शन करवाते हैं। सुबह के जी 10 बज रहे हैं और देख लो कि धुंध फिर भी कितनी घनी है यहाँ पर, और यहाँ आके तो सूर्य देवता के दर्शन बिल्कुल दुर्लभ हो गए हैं। पहाड़ी रास्तों पर नीचे उतरते हुए बाइक को न्यूट्रल में कभी नहीं रखना, हमेशा फर्स्ट या सेकंड गियर में रखो। न्यूट्रल में गियर लॉक नहीं होता और बाइक को बिल्कुल भी लो गियर की ब्रेकिंग नहीं मिलती, और फिर बेंड्स या ऐसे कच्चे रास्तों पर बाइक को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सारा लोड ब्रेक्स पर, तो कई बार ब्रेक्स फेल होने की नौबत आ जाती है। पंजाबी में कहते हैं जे ब्रेक फेल तो समझो फेर कुत्ते फेल, तो बाइक को हमेशा गियर में ही रखकर नीचे उतरो। पीछे तो भाई रास्ता बहुत ख़राब था, मतलब पूरा ABS यूज़ हो रहा था बाइक का, और ये जो भी पैच है ये एकदम बढ़िया स्मूथ पैच आया थोड़ा सा पक्की सड़क का, लो फिर से ये कच्ची सड़क में चेंज हो गई है। और अभी हम वापस पहुंच गए हैं उसी पॉइंट पर, उसी जगह पर जहां पर ये कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की। अरे ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब ने तो बहुत ही कम जगह छोड़ी है बाइक्स के निकलने के लिए। चलिए फिर भी ट्राई करके निकलते हैं, थोड़ी बहुत जगह बनाकर निकलना तो पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है। और यहाँ पे ये जो लुक वाले काले ड्रम हैं इनमें से अच्छा खासा धुआं निकल रहा है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आ गया रोड रोलर। अरे वो मेमना जो है वो भाई साहब के साथ साथ आगे भाग रहा है, देख लो साथ साथ में एकदम बाइक के उनके। अभी ये बजरी की लेयर बिछाएंगे और फिर ऊपर से इसकी कुटाई करके शायद लुक की एक लेयर डालेंगे। हाँ जी, हम आगे हैं वापस भरमौर सिटी में, और भरमौर सिटी का जो मेन एंट्रेंस द्वार है वहाँ से हम थोड़ा सा आगे आए हैं, और ये पीछे आप देख सकते हो ग्रीन बिल्डिंग के साथ में ही पीछे बैक साइड पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनी हुई है, टैक्सीज वगैरह की बसेस वहाँ पे आके रुकती हैं, और उसके ऊपर भी जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पर भी जो टूरिस्ट आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ होटल्स हैं जिसके पास में भी ओपन पार्किंग है, पेड पार्किंग एक तरह की बनी हुई है, मतलब कवर्ड पार्किंग नहीं है, किसी भी तरह का छत नहीं है, ओपन पार्किंग है। तो थोड़ा मौसम के हिसाब से, बारिश के मौसम के हिसाब से या फिर सर्दी के मौसम के हिसाब से गाड़ी जो है वो टूरिस्ट्स को थोड़ी सी जो आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से लगा के लगानी पड़ती है। कई बार ऑफ सीज़न में तो बड़े आराम से मिल जाएगी आपको पार्किंग, लेकिन बिज़ी सीज़न में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जी हम ये अभी मेन जो बाज़ार है इसमें से जा रहे हैं आगे। एक एंशियंट टेम्पल है, एक बड़ा ही पुराना ऐतिहासिक टेम्पल है जिसको 84 टेम्पल के नाम से जाना जाता है। एक तरह से ये टेम्पल जो है, ये मंदिर है, ये भरमौर शहर के एकदम बीच में पड़ता है, सेंटर में पड़ता है। दुकानें पूरी खुली नहीं है क्योंकि आज है छुट्टी, संडे का दिन है, तो दुकानें तो खुली नहीं है, इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं, मतलब जैसे कि ये मिठाई की दुकान खुली हुई है, साथ में ये PNB का ATM है ये खुला हुआ है, और इस तरफ कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये मल्टी फ्लोर की बिल्डिंग है, नीचे का फ्लोर है, ऊपर फ्लोर है, उसके ऊपर भी बन रहा है, लेकिन अभी शोर कुछ नहीं है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे दुकानें बनेंगी बाद में नीचे के फ्लोर्स में या ऊपर के फ्लोर में, या फिर ये पूरा ही कोई जैसे पार्किंग का एरिया बनेगा वो बनेगा क्या बनेगा। बाकी सब दुकानें जो हैं वो संडे के कारण बंद हैं। हाँ ये बेकरी वाली दुकान भी खुली हुई है, शोले,
उसमें एक डायलॉग था वो बूढ़े चाचा का, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई। लीजिए 84 मंदिर के मुख्य द्वार पर आ गए हैं, और इस तरफ जो ये राइट को रोड जाती है इसके ऊपर भी पार्किंग कई बार मिल जाती है, लेकिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है गाड़ियों को। मुख्य द्वार से अंदर आकर यहाँ से मंदिर जो हैं, ये जो 84 मंदिर हैं अलग अलग, वो शुरू हो जाते हैं, उनकी अलग अलग जगह बनी हुई है। और इस तरफ जो है ये कला मंच का एक अलग स्थान बना हुआ है। मेन परिसर से अंदर आकर जो सबसे पहला मंदिर आपको देखने को मिलेगा वो है जी शिव जी का मंदिर। बाहर दूर से ही ये, इवन गेट के बाहर से ही ये दिखाई देता है मंदिर। और इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि इस मंदिर के साथ में एक बहुत बड़ा और पुराना देवदार का पेड़ भी है। आप देख सकते हो कि ये देवदार का जो पेड़ है, इसकी जो ये ब्रांचेस हैं, टहनियाँ जो हैं, ये कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं, मतलब कि आराम से ये 20-30 फुट तक, दूर दूर तक इसकी टहनियाँ जो हैं ये फैली हुई हैं। इस मंदिर के इतिहास की, हिस्ट्री की बात करें तो ये मंदिर जो है वो लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। इस मंदिर का जो पूरा एक बड़ा परिसर है, इसमें 84 अलग अलग श्राइन्स हैं, यानी कि 84 अलग अलग मंदिर हैं। 84 का मतलब होता है इंग्लिश में 84। इस मंदिर का जो मेन परिसर है उसमें शिवजी महाराज जी का मणि महेश वाला जो मंदिर है वो एक तरह के शिखर स्टाइल वाले मंदिर के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई एक कहानी में ऐसा सुनने को मिलता है कि 84 योगी या जो सिद्ध पुरुष थे वो कुरुक्षेत्र से भरमौर होते हुए मणि महेश की यात्रा के लिए जा रहे थे। तो जब वो भरमौर पहुँचे तो यहाँ की जो सुंदरता थी, यहाँ का जो शांतमय वातावरण था वो उनको बहुत अच्छा लगा, एकदम शांतमय, और यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की जो नेचुरल एक ब्यूटी थी उसको देखकर वो बड़े प्रभावित हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो यहीं पर ही ध्यान लगाने के लिए, यहीं पर ही अपनी पूजा और योग करने के लिए वो रह गए। तो इसी एक कारण से भी इस मंदिर को या इस मंदिर के पूरे परिसर को 84 मंदिर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। भरमौर के रहने वाले लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर के जो ज़्यादातर बीच में मंदिर या श्राइन्स जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन या उनकी रचना जो है वो 7th century यानी कि 7वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। आप में से काफ़ी व्यूअर्स को ये बात शायद पता नहीं होगी कि धर्मराज या यमराज का सिर्फ एक ही मंदिर है, और वो सिर्फ यहीं पे भरमौर में इसी 84 मंदिर के परिसर के अंदर ही है, और कहीं पर भी धर्मराज का या यमराज का कोई मंदिर नहीं है। और धर्मराज के साथ जो उनके सहायक होते थे हिंदू माइथोलॉजी में चित्रगुप्त, उनका भी यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उसमें कोई भी चित्रगुप्त की प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, बिना छत का वो मंदिर है, और देखने में वो इस तरह का लगता है कि जैसे कोई कटघरा हो जिसको हम कहते हैं, या फिर कोर्ट में जैसे एक विटनेस बॉक्स होता है उस तरह का वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो है ये चित्रगुप्त जी का मंदिर है, कि इसके चारों ओर सिर्फ एक बाउंड्री बनाई गई है और बीच में सिंपल एक टाइल्स लगी हुई एक जगह है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास या इस मंदिर के पास से भी लोग जो हैं वो गुजरने से या आने जाने से डरते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ यहाँ पे महसूस नहीं हुआ। सच पूछिए तो मुझे पता भी नहीं था कि ये जो जगह है या ये इतना सा जो स्थान है ये चित्रगुप्त जी का है, तो मुझे तो ऐसा कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। रात वाले ठिकाने से निकलते निकलते अपना सामान सब बांधकर बाहर आते आते दोपहर के बज गए हैं 1।
और आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो यहाँ पर प्रॉपर जो होटल वगैरह या रेस्टोरेंट हैं वो भी पूरे खुले नहीं हैं, कुछ एक ढाबे ही खुले हैं। तो फिर वहीं से एक ही ढाबे से दोपहर का खाना भी खा लिया और साथ में चाय भी पी ली। जो चाय थी भाई वो तो बहुत ही अंकल ने टेस्टी बनाई थी। मतलब अंकल से थोड़ी सी बातचीत भी की तो अंकल ने बताया कि वो रिटायर्ड PSF के एक तरह से जवान हैं। आगे इस सीरीज़ में ये यात्रा आप सभी को हमारे साथ साथ कहाँ पे लेके जाएगी, ये अभी हम थोड़ी देर में आपके साथ सांझी करेंगी इस बात को। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले व्लॉग्स, आने वाली सीरीज़ जो हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको एकदम टाइम पर मिलती रहें, और हमारे साथ साथ आप भी हमारी सभी ट्रैवल सीरीज़ का आनंद लेते रहें। हमको जाना है उधर वो रोड पे, वो रोड दिखाई दे रही नीचे, आगे तो दिखाते हैं, वो देखिए वो रोड ऐसे घूम के इधर जा रही है। लीजिए पहुंच गए हैं खजियार, और खजियार को कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश का और पूरे नॉर्थ इंडिया का स्विट्ज़रलैंड तो एकदम कहा ही जाता है। यहाँ की जो ब्यूटी है जब पूरी एकदम खिलती है वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं।